नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आत्मज्योति आर्य आपके साथ। चलिए केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक कोविड 19 वॉर रूम के प्रमुख मुनीश मोदगिल ने कहा, बिना टीका वाले लोगों के आईसीयू में उतरने की संभावना 30 गुना अधिक है। बेंगलुरु में प्रतिदिन 100 में से 11 परीक्षण कोविड सकारात्मक। बेंगलुरु कस्तूरी रंगन के मसौदे में देरी के कारण पश्चिमी घाट पर अनिश्चितता के बादल। कर्नाटक के ओमिक्रॉन मामलों का 92% बेंगलुरु में है और 84% सक्रिय केस लोड। कर्नाटक कांग्रेस ने कोविड प्रतिबंधों के बावजूद नियोजित फुटमार्च किया। कर्नाटक स्वास्थ्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए बूस्टर शॉट्स का टीकाकरण करने के लिए तैयार है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की चेतावनी दी। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मेकेदातु पदयात्रा शुरू करने से पहले पूजा अर्चना की। कर्नाटक में 79% मामलों के साथ बेंगलुरु कोविड का केंद्र बना हुआ है। शहर में आज 7113 मामलों की रिकॉर्डिंग के साथ परीक्षण सकारात्मकता दर बेंगलुरु में 10% को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। बेंगलुरु सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 755 दोपहिया, 25 त्रिपहिया और 49 चार पहिया वाहनों सहित 829 वाहनों को जब्त किया गया। मणिपाल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल ने कहा, तीसरे कोविड वेव से डरे नहीं, सावधानी बरतें। कर्नाटक मुस्लिम दूल्हे पर हिंदू देवता जैसी वेशभूषा में डांस करने का आरोप, केस दर्ज। यादगीर जिले के पेटअम्मापुरा गांव में करुणा की मिसाल, एक गाय कर रही है कुत्ते के 4 बच्चों की देखभाल। कोविड 19 गाइडलाइंस तोड़कर कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा, लोग बोले कोरोना बढ़ जाए तो मोदी को ब्लेम कर दें। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 107 नए मामले, संख्या बढ़कर हुई 333। कस्तूरी रंगन के मसौदे में देरी के कारण पश्चिमी घाट पर अनिश्चितता के बादल। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में डोर टू डोर स्वैप संग्रह शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने जानकारी दी है कि मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। बेंगलुरु सूत्रों के अनुसार शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 2021 में 900% की वृद्धि हुई। मैसूर वरुणा विधायक डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ग्रामीणों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए चामुंडेश्वरी बिजली आपूर्ति कंपनी AEE पर भारी पड़ गए। सरकारी कोटे के तहत बेंगलुरु में 23,000 से अधिक इंजीनियरिंग सीटें खाली रह गई। रायचूर पुराने छात्रों की सद्भावना से बदली सरकारी स्कूल की छवि। बेंगलुरु में मिले कोविड 19 दिशा निर्देशों उल्लंघन के 43 मामले। हसन रिंग रोड वर्क्स रिलेशनशिप मरारिमा, एक पुरुष प्रेमम गौड़ा महिला का एक ऑडियो वायरल। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।